रूबी जो हमारी ट्रैकर डॉग है वो ट्रैकिंग के लिए किसी भी अपराध में अपराधियों को ट्रैक करने के लिए प्रयोग की जाती है। पिछले 2 साल से पुलिस लाइन में वो पदस्थ है और उसने बहुत सारे केस में, कई सारे केस जो होता है डायरेक्ट वो मामले भी निकलते हैं, कुछ इनडायरेक्ट भी उसमें कुछ क्लू डॉग द्वारा दिया जाता है। जो रिसेंट का मामला है जिसमें उसकी पूरी तरह से उसकी भूमिका थी उस मामले को क्रैक करने में, और हम लोगों ने इसको यथोचित नाम दिया। राजमहल में चोरी कितने घंटे में शॉर्ट आउट हो गया सर? ये 24 घंटे के अंदर ट्रैकर डॉग और उसके हैंडलर की मदद से चोर को पकड़ा जा सकता है। प्रत्येक माह जो पुलिसकर्मी बेहतर काम करते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न अपराधों के निकाल हेतु या अन्य कामों में जो बेहतर करते हैं उनको हम लोग कॉप ऑफ द मंथ का अवार्ड देते हैं। उनकी फ़ोटो सभी थानों में लगाई जाती है और कैश अवार्ड भी दिया जाता है। इस माह के जो कॉप ऑफ द मंथ में उसमें 2 पुलिसकर्मी जिसमें एक लीगल सेक्शन का आरक्षक है के अलावा जो डॉग हैंडलर वीरेंद्र नाम का है उसको कॉप ऑफ द मंथ बनाया गया है। साथ साथ जो रूबी हमारे ट्रैकर डॉग है उसको भी कॉप ऑफ द मंथ बनाया गया है। उन्होंने डॉग हैंडलर और रूबी डॉग की मदद से सारंगढ़ थाने में, सारंगढ़ के राजमहल में पिछले महीने चांदी की 2 ट्रे चोरी हो गई थी जो बहुत कीमती थी, 6 लाख रुपए की थी। उस योगदान को देखते हुए रूबी को कॉप ऑफ द मंथ बनाया गया। ये अपने तरह का एक अनूठा मामला है, लेकिन चूंकि ये काम बहुत ही सराहनीय था तो डॉग रूबी और उसके हैंडलर वीरेंद्र को कॉप ऑफ द मंथ बनाया गया है।